अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिल सके। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर आ रही है, मॉल टाइम्स टू इंक्रीज। साथियों, बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी खबर कुवैत से आ रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस मिनिस्टर स्टेट इन हंटिंग इंटेंटी एफ्टर अब्दुल्ला अल रोमी साहब ने बताया है कि डिसीजन नंबर 320/2021 के तहत वहां पे जो मॉल की जो टाइमिंग है उसे बढ़ा दिया गया है, यानी 21 मतलब इंक्रीज कर दिया गया। दोस्तों, वहां पे आप जो कैपेसिटी होगी वो 60% का होगा, लोग वहां पे आ सकते हैं। और इसको दोस्तों वहां पे रेस्टोरेंट या कैफे का टाइमिंग दोस्तों वहां पे बढ़ा दिया गया है 10 बजे रात तक। तो जो भी लोग भी कैफे या रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते 10 बजे रात तक आप जा सकते हैं। और पहले था दोस्तों ये 8 बजे तक, पैसे अब 2 घंटे अब बढ़ा दिया गया है। तो ये काफ़ी दोस्तों राहत की खबर है, जितने वहाँ पर मॉल वगैरह हम जिनके भी रेस्टोरेंट या कैफे हाउस थे उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। 2 घंटे को इंक्रीज कर दिया। आप खाने की शौकीन है बाहर में तो जाकर आप 10 बजे रात तक आप खा सकते हैं। अगली खबर साथियों, ड्राइव इन कोविड वैक्सीनेशन सेंटर फॉर टू डेज लॉन्च। साथियों, कुवैत सेंटर फॉर रैपिड वैक्सीनेशन विल ऑफर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था दोस्तों, ड्राइवर थ्रू वहां पे वैक्सीनेशन दिया जाएगा, यानी आप यदि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको गाड़ी को रोका जाएगा और वहीं पर आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो दोस्तों, उसकी पहली कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट होने के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे जगहों में वहाँ पे सभी को वैक्सीन दिया गया। खास करके दोस्तों वहाँ पे जो ब्रिज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों को दिया गया है। हर दिन दोस्तों अंदाज लगा रहा है कि 4,000 से 5,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पे पूरी कुवैत में सबको वैक्सीनेट किया जा सके। तो साथियों, यदि आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो यदि कहीं भी आपको मिल सकता है और आपको वैक्सीन लगाई जा सकती है। अगली खबर साथियों आ रही, MP इन कॉल फॉर रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट। साथियों, वहाँ MP जिनका नाम है साद अल खान फरू साहब ने बताया है कि डायरेक्ट फ्लाइट जो है दोस्तों कुछ कंट्रियों के लिए वहाँ पे बहुत ही जल्दी स्टार्ट की जाएगी, जहाँ पे खास करके कुवैत के बच्चे जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं, खास करके इजिप्ट में, जॉर्डन में। तो दोस्तों ये सब दोनों देश में वहाँ पर कुवैत के बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पढ़ाई के लिए जाते हैं, इसी के देखते दोस्तों डायरेक्ट फ्लाइट को दोनों देशों के लिए स्टार्ट किया जाएगा ताकि लोगों को बच्चों को जो आने जाने की जो दिक्कतें परेशानियाँ जो हो रही हैं वो सब ना हो। अगली खबर साथियों, और वायरस ने स्टिल हिट आफ्टर 2 डोज। साथियों, बताना चाहूँगा आपको, स्ट्रिक्ट कंप्लेंस विद द हेल्थ रेगुलेशन प्रोसेसिंग मेजर नॉट बी कंटिन्यू, पीपल विल बी इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस इवन दे वैक्सीनेटेड। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, बताया जा रहा है MOPH की तरफ से बताया गया कि जो लोग COVID-19 का दोनों डोज ले रहे हैं, वैक्सीनेट हो जा रहे हैं, उनको कोरोना वायरस जो है बिल्कुल वो इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो पहला डोज ले रहा है उसको 50% उसको बचा रहा है, और जो दोनों डोज ले रहा है उसको 90% इसे प्रोटेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस से। तो साथियों, काफ़ी अच्छी खबर है और जो लोग वहाँ पे वैक्सीन ले रहे हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा बच भी रहे हैं। अब साथियों, हर दिन की तरह COVID-19 की ताज़ा अपडेट के बारे में जान लेते हैं। तो नया टेस्ट वहाँ पे 9,729 लोगों का किया गया, टोटल 25,87,580 लोगों को कोविड का जांच किया जा चुका है। नया केस 1,134 आया, टोटल 3,06,717 है। नया डेथ वहाँ पे 4 लोग की हुई, टोटल 1,764 लोग अब तक कोविड से मर चुके हैं। न्यू रिकवरी 1,144 है, टोटल 2,91,521 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। परसेंटेज के बारे में बात करें तो 11.66% है ठीक होने का, और रिकवरी का 95.5% है। सीरियस केस 148 है, एक्टिव केस वहाँ पे 13,332 है। तो ये पूरी ताज़ा अपडेट थी COVID-19 की, और कुछ खबर थी जो कुवैत से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।